जी कहिए। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक्चुअली हम ऊपर वाले फ्लैट में आए थे, वो शर्मा जी का है ना, हम उनके रिलेटिव्स हैं, एक्चुअली वो बाहर गए हैं। वो अभी तक आए नहीं हैं और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठ के वेट कर सकते हैं उनका? बट वो देखिए आप प्लीज़ मना मत करिएगा, हम ऑलरेडी 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। बेटा मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द हो रहा है, उम्र भी हो गई है ना, हम थोड़ी देर ही बैठेंगे, जैसे ही शर्मा जी आएंगे हम चले जाएंगे। क्या हुआ, आप कुछ सोच रही हैं? नहीं नहीं ठीक है, आप लोग आ जाइए। आइए बैठिए। घर में कोई दिख नहीं रहा बेटा, तुम अकेली रहती हो? नहीं आंटी, मम्मी पापा बाहर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। बेटा वॉशरूम कहाँ पे है, मुझे जाना था सर। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम बस बता दो मैं चली जाऊँगी। आंटी वो उस रूम में, तुम लोग बात करो मैं भी आती हूँ। बस थैंक यू सो मच, अगर आप आज ना होते तो हमें शायद बाहर 2 घंटे और इंतज़ार करना पड़ता। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, आप शर्मा जी के रिलेटिव हैं मतलब हमारे भी रिलेटिव हैं। अगर सही में अगर माँ के घुटनों में अगर तकलीफ नहीं होती तो हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते। इट्स ओके डोंट वरी। क्या कर दिया? आई एम अ स्टूडेंट। चलो अब जल्दी से कीमती सामान लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं फटाफट। अच्छा वेट वेट वेट, आप इस सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं, फिल्म को एंड तक देखिए। ठीक है आप लोग अंदर आ जाइए। एक सेकेंड, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ, मुझे ऐसे गेट नहीं खोलना चाहिए, पहले शर्मा जी को कॉल करके कंफर्म करना चाहिए। आप लोगों ने उनको कॉल किया? कॉल बताया तो बेटा किया था पर उन्होंने फोन उठाया नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं एक बार मिलाती हूँ। अरे आपको कोई जरूरत नहीं है कॉल करने की, हमने बोला तो सही हमने कॉल करा था, वो उठा नहीं रहे हैं। आप गेट खोलो, हम थोड़ी देर अंदर बैठेंगे फिर वो आ ही जाएंगे। पर मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। अरे बेटा इतनी देर तो हो गई है, बस आने ही वाले होंगे, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, तुम दरवाजा खोलो। सॉरी आंटी मैं दरवाजा नहीं खोल पाऊंगी, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आप शर्मा जी के रिलेटिव हैं मतलब मेरे भी रिलेटिव हैं, मैं एक बार आपसे उनकी बात करवा देती हूँ। एक सेकेंड। हेलो शर्मा जी, अरे कहाँ भाग गए आप लोग, मैं आपकी बात करवा रही थी। शर्मा जी आपके रिलेटिव आने वाले थे क्या आज? रिलेटिव नहीं, मेरे तो कोई रिलेटिव नहीं आने वाले थे। ठीक है मैं कॉल करती हूँ आपको बाद में। अच्छा हुआ मैंने दरवाजा नहीं खोला, वरना पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो प्लीज अननोन लोगों के लिए दरवाजा बिल्कुल मत खोलिए, और हमेशा एक मेश डोर यानी कि जाली का दरवाजा अपने घर में जरूर लगवाइए, ताकि आपको पता हो कि दरवाजे के उस तरफ कौन है। सो प्लीज बी सेफ।